आंदोलन हमें दिखते हैं स्वदेशी आंदोलन फिर होम रूल लीग आंदोलन नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन फिर आपका आता है सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबिडेंस का आंदोलन एंड फिर चले जाओ या क्विट इंडिया आंदोलन तो ऐसे कौन से आंदोलन में है जिन, जिनकी वजह से मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ये दो जो कांग्रेस के ग्रुप्स थे या गुट थे वो अलग हो गए में अलगाव पैदा हो गया स्वदेशी तो मूवमेंट उसका आंसर है अभी अभी जो क्वेश्चन देखा बंगाल के पार्टीशन के बारे में दो हजार चौदह का क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर बेंगाल का लॉजिक देखिए बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट आई थी यह मैंने बताया था तो जाहिर सी बात है दो में जो क्वेश्चन पूछा है उस स्वदेशी मूवमेंट को इस आंसर में लिया गया है एज अ आंसर हमें ये स्वदेशी मूवमेंट दिखती है और लॉजिक कैसा है बंगाल का जो पार्टीशन किया था जैसे मैंने बताया वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा एक तरफ आएंगे आसाम त्रिपुरा एंड ईस्ट बंगाल या आज का बांग्लादेश एक तरफ आएंगे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था या गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश शासन का वो सिर्फ बंगाल को पार्टीशन नहीं करना है बंगाल तो एक नाम मात्र था बंगाल तो एक नाम के लिए था पार्टीशन करना तो एक्चुअली जो नेशनल मूवमेंट को तोड़ना था तो जो एक्चुअली नेशनल मूवमेंट को तोड़ना था ठीक है? तो वो कांग्रेस को तोड़ना था बंगाल का पार्टीशन मतलब कांग्रेस का पार्टीशन, का मतलब का डिवीजन डिवीजन, मतलब कांग्रेस और जाहिर सी बात थी कि उसी स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस एक साथ मिलकर अंग, अंग्रेज सरकार सरकार के साथ लड़ रहा था डटा डटा हुआ था उस समय हमें मिलेगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज सक्सेसफुल हुए थे कि बंगाल के पार्टीशन के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी तोड़ा था क्यों कि जब बंगाल का, हुआ था, का होने से पहले ही स्वदेशी पब्लिकली बोला गया था कि हम बंगाल को पार्टीशन करने वाले हैं जब करजन की तरफ से पब्लिकली ये बोला गया था कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे और उस समय उन्होंने पब्लिकली बोला था वो गैजेट नोटिफिकेशन में ऑफिशियली नहीं आया था लेकिन जब उन्हें पब्लिकली बोला कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे तभी तो जो कांग्रेस के कुछ लोग थे या एक जो सेक्शन था जिसको हम धर्मवादी कहते हैं, या मॉडरेट कहते हैं, उन लोगों ने इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया था ये, ये जो डिसीजन पब्लिक किया गया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया गया था और स्वदेशी स्वदेशी जो आंदोलन है उसका पहला चरम या पहला चरण जो है स्वदेशी तो आंदोलन का या फर्स्ट जो पार्ट है वो शुरू हो चुका था लेकिन ये जो मॉडरेट्स थे वो बंगाल का पार्टीशन रोक नहीं पाए थे ये जो मॉडरेट्स थे वो बंगाल का पार्टीशन रोक नहीं पाए थे और उस वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन है तो एक मास मूवमेंट या व्यापक आंदोलन की बात कर रहा था वो गुस्सा हो गए थे उनको लगा कहीं ना कहीं मॉडरेट्स फेल हो चुके हैं ऑर्डर्स जो है उनके टेक्निक्स उनके मेथड्स के काम में नहीं आ रहे हैं और जो पार्टीशन को वो रोक नहीं पाए थे और इस बात को लेके दोनों गुट के बीच कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और मतभेद शुरू हो चुके थे और अल्टीमेटली ये मतभेद बढ़ते गए बढ़ते गए और ये दो गुट सूरत नाम का जो कांग्रेस का सेशन प्रत्यक्ष से 307 में वहां पे ताकि ये गुट आपके टूट गए तो बोलते हैं सूरत ये चीज ध्यान में है ये कृषि मूवमेंट पर है कि क्विट इंडिया वो मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट ये हमारे पास क्या है गांधीयन मूवमेंट है हमारे पास क्या है गांधीयन मूवमेंट है गांधीयन एरा उन्नीस से शुरू होता है तो उन्नीस तक चलता है ठीक है मॉडरेट कब है अठारह से लेके तो पांच तक है एक्सट्रीमिस्ट कब है तो पांच से लेके तो बीस तक है स्वदेशी मूवमेंट है खास करके आपको एक्सट्रीमिस्ट के अंडर मिलेगी ये पॉइंट ध्यान में रखना है ठीक इसलिए आंसर क्या है स्वदेशी मूवमेंट चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वट वॉज द मेन रीजन स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी फिर से हमने देखा 2015 में जो आंसर है स्वदेशी तो मूवमेंट वो 2016 का क्वेश्चन बन गया मैं बार बार बता रहा हूँ आपको दो हज़ार का जो आंसर है दो 2016 का क्वेश्चन बन चुका है अभी अभी लास्ट में मैंने सूरज स्प्रिट सूरज सेशन सूरत स्प्रिट आप यहाँ देख सकते हो यही क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट ईयर क्या है स्प्लिट होने का मेन रीजन क्या था रीजन भी मैंने बताई दिया आपको हुँ? अभी अभी डिस्कस करते वक्त ऑलरेडी मैं रीजन आपको बता चुका हूँ यस in <laughs> yes. ये जो पहला ऑप्शन है वो फैक्चुअली करेक्ट है पहला ऑप्शन जो है वो फैक्चुअली करेक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवाया था लॉर्ड मिंटो हैड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ ब्रिटिश कम्युनल पॉलिसी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ठीक है ये एक्चुअली करेक्ट है बट इस बात को लेकर कांग्रेस के दो गुट में झगड़ा हो गया और कांग्रेस अलग हो गया ये तो बिल्कुल गलत है चाहे वो मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट हो कांग्रेस एज अ होल या कोई भी भारतीय यह नहीं चाहता था कि धर्म के आधार के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर लेके भारतीयों में दरार आ जाए कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि धर्म को लेके भारतीयों में दरार आ जाए तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट वो झगड़ सकते हैं उनमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन कम्युनलिज्म के मैटर्स में दोनों एक थे ये कारण वो ही नहीं ही है ऑप्शन सी देखिए फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी कनेक्टेड है ऑप्शन ए का आउटकम ऑप्शन सी है ऑप्शन ए का आउटकम ऑप्शन सी है ये मैंने बताया आपको मुस्लिम लीग मिंटो ने करवाई थी डेफिनेटली सी भी रॉन्ग है ऑप्शन डी देखिए अरविंद घोष इनिटी अरविंद घोष इन एबिलिटीड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या अरविंद घोष कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे इस बात को लेके बेसिकली कांग्रेस के दो गुट अलग हो गए ऑब्वियसली नॉट ठीक प्रेसिडेंट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसमें थोड़ी सी अनबन चल रही थी कांग्रेस के बीच में वो एक क्या है माइनर चीज है लिमिटेड चीज है वो ऐसी चीज नहीं है ऐसा रीजन नहीं है कि जिसको लेके पूरा कांग्रेस टूट जाएगा जाहिर सी बात है ये भी सही नहीं है करेक्ट आंसर हमारे पास तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब स्वदेशी मूवमेंट चालू हुई थी वो तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब डिक्लेयर किया गया था तभी हुई थी एक्चुअल पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उससे पहले ही स्वदेशी मूवमेंट चालू हुई थी लेकिन जो स्वदेशी मूवमेंट उस समय चालू हुई थी वो किसकी थी वो मॉडरेट सेक्शन की तरफ से आई थी एंड मॉडरेट सेक्शन जो है वो मास मूवमेंट लॉन्च करने के लिए जाने नहीं जाते है मॉडरेट सेक्शन है जो तो लोगों के बीच जाने के लिए जाने नहीं जाते हैं वो एजुकेटेड लोग थे लिटरेट थे इंटेलेक्चुअल्स थे नेशनलिस्ट लीडर्स थे बट लोगों के बीच आम जनता के बीच काम नहीं कर सकते थे उनका एक लिमिटेशन था और इसलिए मास मूवमेंट चालू करना और उसको कैरी करना यह उनके बस की बात नहीं थी और इस बात को लेकर हमें ध्यान में आएगा कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक नहीं पाए थे बंगाल के पार्टीशन को रोक नहीं पाए थे और फिर एक्सट्रीमिस्ट जो सेक्शन था कांग्रेस का दूसरा सेक्शन जो मास मूवमेंट में बिलीव करता था उन्होंने मॉडरेट की कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया था

और उसका सक्सेस हमें बंगाल का, का पार्टीशन वापस लिया गया था सारे क्वेश्चन है।, है और स्वदेशी मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है

नेशनल मूवमेंट है या जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें हम पांच आंदोलन देखते हैं और सबसे पहले ही स्वदेशी सी बात है कि वो एजुटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल ही आएगा बाकी सब में भी मिलेगा कि वो बाद में मिलेगा और साइमन कमीशन के, के दौरान तो किया गया था ये साइमन कमीशन के के दौरान उसको उसकोट किया था ये भी रॉन्ग है और बाकी में भी आएगा क्योंकि इसको बाद में यूज किया गया है बट सबसे पहले नहीं किया गया था सिंपल तो आंसर हमारे पास है और एक बार बाकी के पहले जो पीवाई क्यूज हमने सॉल्व किए तो अपने आप आगे के हम कर सकते हैं तो यह बहुत ही यूनिक चीज़ है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है ठीके?